घर में हम कितना ही संभल के काम क्यों ना कर ले, पर कुछ गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं, तो क्यों ना इन गलतियों को सुधारा जाए और इन गलतियों से सीख के हमारे काम को आसान बनाया जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें से पहला टिप मेरा फ्रिज से जुड़ा हुआ है। फ्रिज का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, हम इसमें बहुत सारा सामान रखते हैं, निकालते हैं, यानी दिन भर फ्रिज का खुलना लगा रहता है। तो क्या होता है ना, फ्रिज हमारा बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। मैंने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया था, पर अभी जब मैंने इस फ्रिज को देखा तो मुझे काफी ज्यादा मैसी लगा। जितना भी साइड में सामान रखा था सबका सब मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसमें कुछ सामान ऐसा है जो कि बाहर रखा जा सकता है, कुछ ऐसा है जिसे फ्रिज की जरूरत होती है। तो देखिये, मसालों को अगर हम लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो उसे फ्रिज में ही रखना बेस्ट है। तो मेरे पास एक खाली बॉक्स रखा हुआ था, मैंने गिफ्ट पेपर से इसको अच्छे से कवर कर लिया है ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरह के बॉक्स आपके घर में भी जरूर आते होंगे, आप इसका यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई भी चीजें वेस्ट नहीं रख रही हूँ, वो सारी चीजें इसमें रख रही हूँ जो कि मेरे किचन में डेली लाइफ में यूज होती है। हर चीज काम की है तो इसे रखने का भी सही तरीका होना चाहिए। बाजार से सामान ला कर ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, अगर हम उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं। एक तो पूरा घर तो मैसी दिखता ही है, दूसरा ये चीजें भी हमें टाइम पे नहीं मिलती है। तो मेरे किचन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होती है। ये शीशे वाले जितने भी मसाले होते हैं ना, अगर इन्हें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो ये बहुत सारी जगह लेते हैं। तो इसको भी अच्छे से हम इस तरीके के बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, अगर आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है इसके एक्सपायरी डेट क्या है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे हैक आपको पसंद आए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे शीशे और पाउचेस भी हैं जो कि मसाला वगैरह के ही पिज्जा के साथ आते हैं, तो इन सबको भी ना मैं संभाल के रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस ट्रिक को जरूर अपनाते होंगे। आप देख सकते हैं एक ही बॉक्स के अंदर सारे मसाले आ चुके हैं, दवाइयां भी आ चुकी है, तो काफी सारी चीजें ना इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। छोटा सा हैक है, जरूर करके दिखेगा। और आप देख सकते हैं पूरा डोर ना क्लीन दिख रहा है, जो सारा बिखरा हुआ था ना वो सब बस बॉक्स के अंदर आके रुक गया है। अगला यूजफुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। ये जो साबुन है ना काफी ज्यादा महंगा आता है, इतनी महंगाई होती जा रही है ना, तकरीबन एक साबुन की ही कीमत 50 से 60 रुपए होती है। तो सोचिए इतने महंगे साबुन को हम अगर इसी तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारा कितना ज्यादा नुकसान करेगा। ये बेबी सोप है, ये भी काफी ज्यादा महंगा है, 90 रुपए का सिर्फ छोटा सा एक पीस आता है। और सोचिए ये साबुन अगर गलता ही रहेगा तो हमारा तो नुकसान ही होगा ना पैसे का। तो देखिये मैं इसकी बचत करने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें लेना है स्पॉन्ज, अगर साबुन बहुत ज्यादा महंगा है तब भी, और अगर नॉर्मल है आपके पास तब भी, तो उन्हें टाइम ये ट्रिक काम करेगी। तो स्पॉन्ज ना हमारे घर में जरूर होते हैं। जितना बड़ा आपका साबुन है उसके साइज के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा ही कट कर रही हूँ ताकि रखने में अगर इधर उधर जाए ना तब भी जो साबुन है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो मैं थोड़े से बड़े बड़े से इस तरीके से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो छोटा सा भी कट कर सकते हैं। मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि साबुन को जब हम गीला ही रख देते हैं तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे गलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो साबुन है जो कि 2 हफ्ते चल सकता है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये स्पॉन्ज वाला हैक आपको पसंद आया होगा। तो देखिए इस तरीके से यूज करने के बाद आपने साबुन रख देना है, स्पॉन्ज के अंदर काफी सारा साबुन आ जाएगा और ये पानी को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, इससे आपका साबुन ना गलेगा बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहले से स्पॉन्ज गीला है क्योंकि मैं इसे डेली लाइफ में यूज करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्क्वीज करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए काफी सारा पानी ना बाहर निकला है, आप चाहे तो नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हैं, पर अगर साबुन को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं और साबुन पड़े पड़े गीले होते हैं तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा, आपके साबुन बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। अगला यूजफुल है गर्मियों से जुड़ा हुआ है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर में ना इस तरह के ड्रम जरूर होते हैं। अच्छा, इन ड्रम में हम पानी भर के रखते हैं जिस दिन नल आता है और लगभग 2 दिन हम इसे चलाते हैं। तो मेरे यहाँ तो अल्टरनेटिव 1 दिन छूट के आते हैं, फिर भी हम ड्रम्स भर के रखते हैं क्योंकि कूलर में पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो अब देखिए क्या होता है कि कभी ये पूरा पानी यूज नहीं हो पाता है तो इसमें ना मच्छर आने लग जाते हैं, यानी मच्छर के जो बच्चे होते हैं वो ना इसके अंदर तैरने लग जाते हैं, जिसे हम बहुत सारे लोग कीड़ा भी कहते हैं। तो इस कीड़े को इसके अंदर लगने ही ना दें। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपके घर में कोई बेडशीट या कोई कपड़ा ऐसा जरूर होगा जो पुराना होगा और बिल्कुल यूज में नहीं आता होगा। तो ये पुराना बेडशीट है मेरे पास जो कि यूज नहीं आ रहा था, इसको ना मैंने इसके ऊपर कवर किया है। अब आप सोच रहे हैं इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस पानी के ऊपर मच्छर नहीं बैठेगा। इस पानी को आप हफ्ते भर बाद भी अगर खोल के देखेंगे ना तो इसमें किसी तरह का
कोई पानी वाला कीड़ा आपको देखने में नहीं मिलेगा। ये अजवाया हुआ नुस्खा है, जरूर करके देखिएगा। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में इसे यूज भी किया जाता है और ये मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, क्योंकि पानी को जब हम रख के जाते हैं और आके देख रहे हैं 2-3 दिन बाद कि इसमें कीड़े हैं, तो बिल्कुल पानी को यूज करने का मन नहीं करता है। पर ये एक बेकार पड़ा हुआ कपड़ा आपके पानी को सुरक्षित रखेगा, इसके ऊपर मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, तो किसी तरह का कोई कीड़ा भी इसके अंदर नहीं पनपने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा अगर आप भी पानी को इस तरीके से जमा करके रखते हैं स्पेशल गर्मियों में। अगला यूजफुल हैक मेरा सरसों के तेल से जुड़ा हुआ है। तो एक बाउल में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, फ्रिज के अंदर इसे रख दिया है, ये दिन भर इसी के अंदर रहा लगभग 15 से 16 घंटे के लिए। बाद में जब मैंने इसे निकाल के देखा, रात को रखा और सुबह मैंने इसे निकाला, तो इसमें मुझे एक अजीब सी चीज देखने को मिली। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मैं भी देख के अचंभित थी कि सरसों के तेल में अगर व्हाइट लेयर है इसका मतलब ये मिलावटी है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो तेल हम खाने में यूज कर रहे हैं उस तेल में भी मिलावट है। तो ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि ये मिलावट है या नहीं है। थोड़ा सा लीजिए और फ्रिज के अंदर आप रख दीजिए, एक रात के लिए रख दीजिए। अगले दिन अगर आप देखते हैं इसके ऊपर किसी भी तरह की व्हाइट लेयर है या परत है, तो इस तेल को प्लीज खाने में यूज मत कीजिएगा। इस तरह का तेल मिलावटी होता है जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत मानी हुई कंपनी का तेल है जिसे मैंने ओपन करके रखा और देखा, तो ये मैं इस कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगी, पर हाँ इस तेल में मिलावट है और इसे खाने में यूज नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ सरसों के तेल को पहचानने के ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो जब भी आप तेल खाने में यूज कर रहे हैं ना, तो एक बार इसका टेस्ट करना जरूर बनता है। अगर इस तरह की कोई भी मिलावट आपको तेल के अंदर नजर आती है तो इस तेल को खाने में बिल्कुल यूज नहीं करना है। गर्मियों के सीजन में हम आटे को लगा के नहीं रख सकते। अगर थोड़ी देर भी फ्रिज के बाहर इसे हमने रखा, मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर एक सूखी परत आ जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आटे को इस तरीके से अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद में हम कंटेनर के अंदर रख देते हैं। रखने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा, आपने लेना है देसी घी। ये मैंने फ्रिज में से निकाला था तो अभी फिलहाल में अच्छे से सेट है, इसे जैसे ही आप हाथ लगाएंगे अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पतली सी लेयर आपने बर्तन के अंदर लगाना है, इसके बाद में जो आपका आटा है ना इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा घी अभी भी मेरे हाथों में है, इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। इस घी का यूज हम आटे के ऊपर एक पतली परत लगाने के लिए करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने घी यूज किया है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं किया है, मात्र आधी चम्मच इतना ही घी मैंने का यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि घी को खाने से आपकी सेहत को किसी तरह का नुकसान होगा या आपका वजन गेन होगा, बिल्कुल इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाम मात्र मैंने घी एड किया है। अगर इसी तरीके से आप इसे बंद करके रख देते हैं तो आपने देखा होगा ये काला पड़ जाता है, आम सी बात है, क्योंकि एयरटाइट कंटेनर नहीं है। अगर आपको यूज करना ही है तो ग्लास वाले एयरटाइट कंटेनर का यूज कीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जरूर होगा, इसका आपने यूज करना है। बिना इसका यूज करे हुए अगर आप इस आटे को फ्रिज के अंदर रख देते हैं तब भी आटा काला पड़ जाता है, और निकालने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का हमें टाइम देना होता है ताकि ये नॉर्मल हो, और जो एक काली परत होती है वो तो अलग ही है। तो आपने ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसे बाद में फेंक देना है। अगेन जब अगली बार आप आटा लगाएंगे तो फिर से आप इस पेपर का यूज कर सकते है। तो इस तरीके से आप आटे को रखिए। मैं 3 घंटे बाद इस आटे को आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आटा सख्त है, बिल्कुल आटा सख्त नहीं है, ये कमाल है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का। इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा, आटा बिल्कुल सॉफ्ट है जैसा कि हमने इसे लगा के रखा था। ऐसा ही लग रहा है जैसे कुछ देर पहले ही हमने इस आटे को लगाया है। आटा ठंडा जरूर है पर आटा सख्त नहीं है और काला भी बिल्कुल नहीं है। तो अगली बार इस ट्रिक को यूज करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये ट्रिक आपके लिए भी काम किया है। बिल्कुल आटे के पेड़े भी आराम से बन रहे हैं, ठंडा ठंडा ही आटा है पर पेड़े आराम से बन रहे हैं, मुझे अलग से इसे रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कम से कम 5 मिनट दीजिएगा ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। कंडीशनर का यूज हम हमारे बालों के लिए करते हैं, पर आज मैं अलग तरीके से इसका यूज करके बताने वाली हूँ। ये ट्रेशमे का कंडीशनर है जो कि महंगा होता है, तो मेरे जो तरीके होते हैं ना उसमें मैं कम से कम आपके पैसों की बचत करने के तरीके बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशनर मत लीजिएगा, जो भी आपके पास सस्ता सुंदर है वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो 1 रुपए वाला कोई सा शैम्पू ले लीजिए, ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। कम से कम 50 से ज्यादा तो मेरे पास रहते ही है, क्योंकि घर की क्लीनिंग करने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ और हमेशा इन ट्रिक्स को मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मग्गी में पानी लिया है, लगभग 1 ग्लास इतना शैम्पू को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और इसका यूज करेंगे आज हम क्लीनिंग के लिए। तो हमारे
घर में ऐसी बहुत सारी सरफेस होती है जिसको हमें क्लीन करना होता है। आप कोई सा भी ना सॉफ्ट कपड़ा लीजिएगा, ठीक है, हार्ड कपड़ा मत लीजिएगा, किचन डस्टर भी मत लीजिएगा, वो भी थोड़े हार्ड होते हैं। तो इस तरह का हैंकी है जो कि सॉफ्ट है, या पुराने जो ब्लैंकेट है उसमें से कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आपने यूज करना है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा चाहिए हमें, ठीक है। वो जितना पानी है उतना एक्स्ट्रा आपने निकाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज है, चलिए देख लेते हैं। ये ट्रिक भी आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो हम ना काफी सारा खर्चा करके हमारे जो वुडन फर्नीचर है ना, इसके लिए क्लीनर लेकर आते हैं। तो देखिये, पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मात्र ₹1 में आपके जितने वुडन फर्नीचर है ना अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे, शाइन भी आ जाएगी। तो मैंने 2 दिन पहले से क्लीन किया था, पर अभी आप देख सकते हैं उसपे कुछ ऐसे दाग हैं जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पानी के हो सकते हैं, चाय कॉफी के भी हो सकते हैं। तो बस आपने शैम्पू के पानी में अच्छे से अपने सॉफ्ट वाले कपड़े को इसके अंदर डिप करना है। तो ये एक पुराना हैंकी है जो कि यूज नहीं आ रहा था, बच्चे का ही है, इसी का मैंने यूज किया है। तो इस तरह के काफी सारे हैंकीज वगैरह मेरे पास रखे हुए हैं जिनका यूज मैं क्लीनिंग के लिए करती हूँ। तो ऐसी सरफेस है जिसपे स्क्रेचेस आ सकते हैं, क्योंकि ये वुडन सरफेस है, तो इसपे अगर कोई हम रब कपड़ा यूज करेंगे ना तो स्क्रेचेस आ जाएंगे, जिसके बाद भी देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस आप हल्के से ही वाइप करेंगे ना, आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं वो तो निकलेंगे ही, जो शाइन आती है वो देखने लायक होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फर्नीचर को साफ करने का ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मात्र ₹1 का शैम्पू लगा है और ये जो टी टेबल है ना अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक को आप जरूर यूज करके देखिएगा। अगर आप चाहे तो कंडीशनर का यूज कर सकते हैं, कंडीशनर से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर नहीं है तो आप ₹1 वाले शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा सब्जियों से जुड़ा हुआ है। ये जो गवार फली होती है या कोई सी भी बीन्स जो कि इस तरीके से लंबी साइज में होती है, इसे कट करने में ना बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, ऊपर से चाकू पकड़ने में तो और ज्यादा डर लगता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तब तो बहुत ज्यादा डरने की बात है। मैं नहीं करती हूँ इस तरीके से कटिंग, पर करते हैं तो डरने की बात होती है, क्योंकि अंगूठे वगैरह अक्सर कट जाया करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ बहुत सा आसान है। आपने इसे पहले कभी किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं तो करके जरूर देखिएगा। तो बीन्स को आपने इस तरीके से लेना है, अच्छे से पहले इसको धो लीजिएगा, उसके बाद में आपने इस तरीके से इसे पकड़ना है। और आपके पास ना रबर बैंड जरूर होगा, एक किचन में ना रबर बैंड का पैकेट जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से सब्जियों काटने में ये बहुत ज्यादा काम आता है। बस आपने ना इस तरीके से इसके ऊपर पहना देना है। आपने सब्जियों वालों को देखा होगा, वो इस तरीके से काफी सारी सब्जियों को ना रबर बैंड से बांध के रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं ताकि सब्जियां बिल्कुल भी भागे नहीं और अच्छे से उनके पास ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। इसी तरीके को आपने अपनाना है। और घर में जितनी भी बीन्स आती है ना जिसमें हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, इसको आप इस तरीके से रबर से बांध दीजिएगा। अब देखिए आपका काम कितना आसान हो गया है, बस आपने नाइफ को चलाना है और देखिए आपके हाथ भी नहीं कटेंगे, और जो काम 15 से 20 मिनट का है ना वो 5 से 10 सेकंड लगेंगे। मैं वीडियो को कहीं कट नहीं कर रही हूँ, बस वीडियो को थोड़ा सा मैंने धीरे दिखाया है ताकि आप देख पाए, पर ये काम 10 सेकंड का भी नहीं है और आराम से जितनी सब्जी है ना वो कट गई है। तो ये आसान ट्रिक मुझे बहुत ज्यादा लगता है, आप भी इसे जरूर करके देखिएगा। बस एंड नोट को काटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रबड़ ना कटे, कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रबड़ ये ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो पूरी सब्जी है ना आसानी से कट गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। जरूरी नहीं है गवार फली के लिए आप इस ट्रिक का यूज करें, दूसरी भी कोई सब्जियां है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, भिंडी के लिए कर सकते हैं, या सहजन फली है उसके लिए भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको ये टिप्स शेयर करी है कि जब भी आप अलाई को स्टोर करते हैं इसे फ्रीजर में ही रखें, स्पेशल गर्मी के सीजन में तो जरूर रखें। अगर लाइट वगैरह जाती भी है ना तो 4-5 घंटे तक इस मलाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल ये सेट रहती है। तो अभी भी मैंने 15 मिनट पहले इसे निकाला है, अभी हल्का हल्का मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मुझे इसे निकालना है घी। आपको कम टाइम में ज्यादा घी निकालना है, या जितनी भी आपकी मलाई है उससे ज्यादा से ज्यादा आपको घी इसमें से बाहर लाना है, तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। मलाई को पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, अभी जस्ट 15 मिनट ही हुए हैं, पर मैं ट्रिक आपको दिखाना है इसलिए अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा पहले अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के इसमें दही ऐड कर देना है। दही से ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, कम से कम 6 घंटे का ही टाइम लगेगा। फिलहाल गर्मियां चल रही है, ठंड में आपको पूरी रात का टाइम लगेगा। इसमें दही डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग के जब भी आप इसके 12-13 घंटा या 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा और जितना हो सके 12 घंटे का टाइम दीजिएगा। और इसके बाद में अब आप इससे मक्खन या घी निकालिए। आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी ज्यादा
क्वांटिटी में निकलता है, एक बूंद आपका घी वेस्ट में नहीं जाता है। इससे पहले भी मैंने ट्रिक आपके साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने दही का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट ऐसे ही निकाला था, पर उससे भी काफी सारा घी बाहर आ जाता है। पर ये दही वाली ट्रिक आज तक की मुझे सबसे बेस्ट ट्रिक लगी है। इसे अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपके लिए भी ये लाभदायक है। अगला यूजफुल हैक मेरा गर्मियों से ही जुड़ा हुआ है। गर्मियों में ना ग्लूकोन-डी हर घर में यूज होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। अच्छा, इस पैकेट को जब हम खोल लेते हैं तो आपने देखा होगा, इसे अगर हम इसी तरीके से खुला रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ना खराब हो जाता है। इसे खोलते ही जब तक यूज हो सके उतना आपने यूज कर लेना है, फिर भी बहुत बार हमारा बाहर जाना हो जाता है, तो हम ना इसे इसी तरीके से खुला बिल्कुल छोड़ के ना जाए। आप कोशिश कीजिएगा इसे इस तरीके से फोल्ड करें। इनसर्ट मैंने इसके जो एक्स्ट्रा पेपर था वो अंदर कर दिया है। कोशिश कीजिएगा आप सीजर से काट दीजिएगा, मुझे कट नहीं करना था क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए, तो मैंने इसे बिना कट किए हुए अंदर की तरफ फोल्ड किया है। साइड से आपने इस तरीके से वी साइज में आपको फोल्डिंग करनी है और ये देखिए आराम से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में आप लगा दीजिए क्लोथ क्लिप। आप यहाँ पेपर क्लिप का भी यूज कर सकते हैं और ये देखिए आराम से अच्छे से वापस वैसे ही पैक हो गया है जैसे कि मार्केट से होकर आता है। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप ना मसाले के लिए भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं विदाउट किसी सेलो टेप का यूज किए हुए। ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा दही से जुड़ा हुआ है। दही से हम बहुत सारी सब्जियों की ग्रेवी तैयार करते हैं, कई बार हम लोग इससे कड़ी भी बनाते हैं। अच्छा, अगर आप पनीर बना रहे हो या पनीर की ग्रेवी गाढ़ी करना चाहते हो तब भी हम दही का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम दही को यूज करते हैं पनीर में, तो आपने देखा है उसमें ना लम्स आ जाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए दही को ना कभी भी डायरेक्ट मत डालिए पनीर की सब्जी में, उससे पहले ना आप पहले से ही इसमें मसाले ऐड कर लीजिए। जो भी आप बेसिक मसाले ऐड करते हैं वो कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और काला नमक ऐड किया है। ये बेसिक मसाले हैं। हल्का सा जीरा मैंने इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये आपने ना दही के अंदर ही ऐड करना है। अब आप देखेंगे जो आपकी ग्रेवी आपने जो पनीर के लिए बनाई है उसमें ना आपको दही अलग से नहीं दिखाई देगा, ना ही दही में लम्स आने वाला है, क्योंकि मसाला हमने बहुत अच्छे से इसमें पका लिया है। और ये देखिए आपका शाही पनीर बनने को बिल्कुल तैयार है। आपकी दही की वजह से कभी भी पनीर खराब नहीं दिखेगी, ना ही आपकी पनीर की सब्जी में आपको ऐसा लगेगा कि दही अलग जा रहा है। यही ट्रिक ना आप कड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। हम भी घर पे शाही पनीर बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, पर उसका स्वाद होटल जैसा नहीं आता है। कारण बस यही होता है कि वो मसालों को इस तरीके से ऐड करते हैं, और जब हम मसाला बनाते हैं तो हम सारा मसाला तेल के साथ बनाते हैं। बिल्कुल ही अलग तरीके से हमारा मसाला बनाने का तरीका होता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी और होटल वाली ग्रेवी में फर्क पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये सीक्रेट पता चल गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक। नमक हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है, पर क्या आपको पता है अगर ये सही मात्रा में ना डाला जाए तो यही हर खाने का स्वाद बिगाड़ भी देता है। अच्छा, ये ट्रिक उन बिगनर्स के लिए है जिन्हें नमक का मेजरमेंट नहीं पता होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, क्योंकि मुझे किचन में काम करते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, फिर भी गलती से ही नमक कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ज्यादातर हमेशा कम ही होता है, ज्यादा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा नमक कम से कम ही डालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी ऊपर से नमक डाल के खाना अच्छी बात नहीं है। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसके लिए तो ऊपर से नमक खाना एक जहर का काम करता है। तो हम किस तरीके से एक सटीक मेजरमेंट बनाए कि नमक हमारा जाए खाने में, पर ज्यादा कभी ना जाए और ना ही कम जाए। तो आप ले लीजिए सेलो टेप, इसके कंटेनर पे इस तरीके से लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे स्टील वाला स्पून आपको यूज करके बताया है, पर कभी भी नमक को स्टील वाला यूज मत कीजिएगा, आप वुडन वाला या प्लास्टिक का यूज कीजिएगा। मुझे आपको यहाँ मेजरमेंट दिखाना है इसलिए मैंने यहाँ स्टील का यूज किया है। अब इस तरीके से देखिए जैसे भी आप निकालेंगे ना टेप से एकदम टच होगी तो एकदम ज्यादा नमक निकल के बाहर नहीं आएगा। कम खाएंगे चलेगा, पर कभी भी ना नमक को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। तो जैसे ही मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जैसे ये टेप से टच होगा अगर ज्यादा आ रहा है तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, पर एकदम से निकालने में क्या होता है ये खाने में ज्यादा चला जाता है, दाल चावल आटा सब्जी वगैरह में ज्यादा चला जाता है। तो ये टेप ना आपका बहुत ज्यादा काम
काम आ सकती है। और देखिए इस तरीके से नमक की क्वांटिटी ना खाने में कम ही जाएगी। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसे हम हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके से अपनाएंगे कि हम इसके ऊपर सेलो टेप लगाएंगे और हमारे जो मेजरमेंट के लिए हम जो स्पून यूज कर रहे हैं ना उसमें कम से कम हम नमक को ऐड करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। यहाँ पर जो मैं घी आपको दिखा रही हूँ ना, अगर आप इस ओरिजिनल घी को देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि घी को इतना साफ भी किया जा सकता है। इस घी में बहुत सारा ना खाना बनाया गया था जिसमें से एक था बाफला। बाफले डीप कर करके निकाले गए थे और ये घी ना पूरी तरीके से काला हो चुका था। मैंने इसे कैसे क्लीन किया है अगर आपको भी जानना है, या आपके घर में कोई रसोई में काम हुआ है और घी पूरी तरीके से जल गया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। फिलहाल में आप घी देख सकते हो जैसे कि हम मार्केट से लेकर आए हैं, पर इसका ओरिजिनल जो कलर था वो बहुत ज्यादा ब्लैक था। मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, अगर आपको भी जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर अपलोड करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें मैंने लिया था मीठा सोडा और विनेगर, इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया था और कुकर की जो सीटी होती है या विसल्स होती है उसको क्लीन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने ट्रिक को अप्लाई किया तो इसमें जब भी मैंने विसल को डाला, देखा विसल तो अच्छे से क्लीन हो गई थी पर ये जो लिक्विड है ना काफी सारा बच गया था। अब इसे फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे हमेशा ट्रिक बताना पसंद है। तो देखिए बचे हुए सॉल्यूशन का मैं आज यूज करके आपको बता रही हूँ। ये एक दिन बाद मैंने शूट किया था, ये सॉल्यूशन बचा हुआ था, काफी अच्छा क्लीन क्लियर था, मतलब गंदा नहीं था। तो इसमें ना मैंने एक स्पून यहाँ पर डाल दिया है बर्तन लिक्विड। अब इस तरीके से क्या होगा, मीठा सोडा भी है, विनेगर भी है और वन स्पून इतना यहाँ पर हमने बर्तन लिक्विड एड किया है। ये सटीक सॉल्यूशन बन गया है स्टील सरफेस को साफ करने के लिए। आप इससे घर की जो भी स्टील सरफेस है या जहां पे भी आपको लगता है कि स्टील वाले एरियाज हैं वहां पर आप इसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने अपने घर को अच्छे से क्लीन किया है तो मुझे ऐसा कोई एरिया नजर नहीं आया जहां मैं आपको क्लीन करके दिखाऊं, पर हाँ एक काम है जो हमारे यहाँ डेली निकलता है वो है ये बर्तन। तो बर्तन आप एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, ग्लास का भी ले सकते हैं, तीनों पे ट्रिक अच्छे से काम करेगी क्योंकि हमने विनेगर और मीठा सोडा भी डाला है तो ये ना बर्तन की गंदी से गंदी चिकनाहट को निकालने में बहुत ज्यादा काम करता है। तो इस तरीके से ना आप इसका यूज कर सकते हैं। स्पेशली ट्रिक काम करेगी किचन में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी होती है ना उसकी जाली को साफ करने के लिए, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बर्तन का जो हमारा स्टील वाला टोकना होता है ना उसे साफ करने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, अगर कोई बर्तन बहुत ज्यादा जिद्दी है, चिपचिपा है या मेला है तो आप उसको आराम से इसे क्लीन कर सकते हैं। अगला है कैसा बर्तन हमारे घर में है, ये तवा। ये जो तवा है ना इसका हैंडल टूट चुका है जिसकी वजह से ज्यादा यूज में नहीं आता है, पर जब भी मुझे कुछ तेल के पराठे बनाना हो, डोसा बनाना हो तो मैं इसी तवे का यूज करती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा हैवी है, एक बार गर्म हो जाए तो लगभग 15 मिनट तक ही ठंडा नहीं होता है। तो इस तरह के तवे भी आपके घर में जरूर होंगे, स्पेशली ये जो लोहे के तवे होते हैं ना जब हम इसमें तेल का खाना बनाते रहते हैं तो इसके कॉर्नर्स में ना काफी सारी चिकनाहट जमा हो जाती है जो कि निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसे ही क्लीन करने का मैं तरीका बताऊंगी। बहुत पहले मैंने इसको क्लीन किया था, काफी दिन से मैंने इसे क्लीन किया ही नहीं। चलिए आज हम इससे जुड़े हुए ट्रिक्स भी आपको बता देते हैं कि तवे के आसपास जमी हुई कितनी भी गंदगी हो उसको कैसे निकालें। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले ना तवे को गर्म करेंगे। तो तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज डालने वाले हैं, इससे इसमें जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 रुपए वाला ही शीशी लिया है ताकि आपके पैसों की बचत हो, ना कि आपके पैसों की बर्बादी हो। इसे हमने एक तवे पर डाल देना है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें से ना एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ये हमें नहीं आने देना है। बस हल्का सा ही जैसे ये गर्म होगा हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी ही यहाँ पर बेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मत ऐड कीजिएगा क्योंकि जो शैम्पू होता है ना वो सरफेस की गंदगी चिकनाहट मेल को निकालने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम इसे शैम्पू को सिर में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे शरीर में ना काफी सारा तेल वगैरह भी होता है, उसको भी अच्छे से निकाल देता है। अगर आप नाखून वगैरह से गर्मी में सिर में स्केल्स में हाथ लगाओगे तो आप देखेंगे नाखून में काफी सारा मेल आ जाता है। तो सोच सकते हैं आप इतनी ज्यादा चिकनाहट वाली गंदगी को वो हमारे सिर में से साफ करता है तो तवे की गंदगी को तो आराम से साफ कर ही देगा। इसको और अच्छे से साफ करने के लिए यहाँ पर नींबू का यूज किया है। अगर नींबू रस भरा है तो उसका यूज कर लीजिएगा। मेरे पास एक कटा हुआ नींबू था जो लगभग सूख चुका था, चलिए मैंने इसी का यूज करके दिखा दिया है आपको। आपके पास होगा रस भरा
नींबू यूज कीजिएगा। अब ना हल्के हाथों से आपने क्या करना है, इसे चलाना है। देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगी, फ्यू ऑफ सेकंड में ही आप देख सकते हैं साइड से ना गंदगी निकलना भी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे ही मैंने इसे हल्का हल्का घुमाना स्टार्ट किया, हाथों हाथ रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, गंदगी उसे निकाल देगा। और हम इस ट्रिक को गर्म तवे पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो चिकनाहट है उसे तो निकलना ही है, पर जो कालीपन है या बहुत लॉन्ग टाइम से इसे यूज कर रहे हो और अगर ये नहीं निकल रहा है तो मैं एक छोटा सा स्टेप बता रही हूँ, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है। शैम्पू से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, पर अगर आप चाहते हो ये और भी अच्छा रिजल्ट दिखाए तो आप ना दिए का यूज कर सकते हैं। तो दिए को पकड़ने के लिए आप हैंड ग्लव्स का जरूर यूज कीजिएगा। अभी फिलहाल में हमें दिखाना था आपको तो मैं हाथ से ही करके दिखा रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और देखिये हल्के हल्के से जैसे रब करेंगे ना इसके आसपास की सारी गंदगी निकल के बाहर आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको जरूर पसंद आया होगा। हल्का सा पानी डाल दीजिएगा, इससे इसके आसपास की जितनी भी चिकनाहट है वो आसानी से निकल के सारी की सारी बाहर आ जाएगी। ये हैक बहुत ज्यादा यूजफुल है, 100% आपको रिजल्ट देगा। बस आप ना इसे लोहे के तवे पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नॉन स्टिक तवे पे गलती से अप्लाई करके मत देखिएगा। अगर आपने नॉन स्टिक तवा क्लीन करना है तो आप यहाँ दीपक को अवॉइड करेंगे, आप सिर्फ नींबू के छिलके, नींबू का रस और शैम्पू का ही यूज करेंगे नॉन स्टिक तवे के लिए। अगर लोहे का तवा है तभी आप दिए का यूज करेंगे, अदरवाइज जो आपका नॉन स्टिक तवा है वो खराब हो सकता है। तो देखिये तवा अच्छे से क्लीन हो गया है, काफी अच्छी इसकी शाइन आ गई है। ये तवा हैंडमेड है जिसकी वजह से इसके साइड में आप देख सकते हो इस वाले हिस्से को क्लीन नहीं किया जा सकता, पर जो हमारे मार्केट वाले तवे होते हैं जो कि हैंडमेड नहीं होते हैं वो आराम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये हैंडमेड है इसलिए अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही गर्मी आती है आपने देखा होगा पुदीना आपको मार्केट में बहुत कम प्राइस में अच्छे खासा मिल जाता है, तो आप ना इस गर्मी में पुदीना ज्यादा ही घर पे लेकर आइए और इस तरीके के ग्लास कंटेनर में पानी डाल के रख दीजिएगा। मैंने इसे 3 बार यूज कर चुकी हूँ और ये 4th टाइम है जब मैं इसका यूज कर रही हूँ। देखिए जितना भी पुदीने का अर्क है वो सारा का सारा पानी के अंदर आ जाता है। कम से कम 5 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ग्लास में आपको ट्रांसफर करके दिखा रही हूँ, देखिए इसका कलर कितना स्ट्रांग है और ये पुदीना नेचुरल है, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं, पेट में जलन होती है, गैस होती है, ज्यादा तीखा मसालेदार हम कुछ खा नहीं सकते, नहीं तो बार बार हमें पुदीनहरा लेना होता है। तो आप ना मार्केट वाले को अवॉइड कीजिए और जो नेचुरल मार्केट में अभी आपको मिल रहा है इसका यूज कीजिएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। कोशिश कीजिएगा आपने इसे कम से कम 250 ग्राम पानी के अंदर रखें और इतना ही पानी आप पीने में यूज करें। चाहे तो आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं लेना है नहीं तो आपकी हेल्थ को ये नुकसान भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो आप बोतल देख रहे हो ये 200 ही ग्राम की है, बहुत ज्यादा इसका साइज बड़ा नहीं लिया है और इतने ही क्वांटिटी में मैंने इस पानी का यूज किया है। एक बार में आपने इतना ही पानी लेना है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे काले नमक का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम पानी में इसे डाल के रखिएगा। अब आप इसे पीजिए सुबह शाम, जब भी आपको लगता है कि आपके पेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तब आप इसे पी सकते हैं। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिएगा। ये एक आसान सा ट्रिक है पुदीनहरा से जुड़ा हुआ। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इनो से जुड़ा हुआ। गर्मियों में हम ना इनो का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे ही हमें खट्टी मीठी डकार आने लग जाती है हम डायरेक्ट इसका शीशे खोलते हैं और पीने में यूज कर लेते हैं। इस चीज को इमरजेंसी के लिए ठीक है, हमेशा कंटिन्यू अपनी लाइफ में मत अप्लाई कीजिएगा। मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को अपने घर में भी देखा है और बाहर भी मैं देखती हूँ, जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो इनो का शीशे खोलते हैं, पानी में खोलते हैं और पी लेते हैं। बार बार अगर आप इस चीज को कंटिन्यू लेते रहेंगे तो ये भी आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकती है, आपकी डाइजेशन सिस्टम को इसकी आदत पड़ जाएगी और आप एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं तो फिर असर नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा इनो को डेली ना ये लेते हुए आप नींबू लीजिएगा, ठीक है। नींबू पानी पीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा दूध से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे घर में दूध आता है सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं, इसके बाद में पूरा इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब बड़े से अच्छा ठंडा हो जाए फ्रिज में रखिएगा, अगले दिन निकालिए और जब भी आप चाय बनाते हैं उससे पहले इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। आपने लेना है चाकू, मलाई निकालने के लिए हमेशा आप चाकू का ही यूज करें क्योंकि साइड कॉर्नर्स में ये जो दूध बॉयल होता है ना यहाँ पे अच्छे से जम जाता है, जो कि चाकू से ही निकलता है, दूसरी किसी चीज से निकालोगे तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा दूध बॉयल करने के लिए आपने स्टील के बर्तन का यूज करना है, एल्यूमिनियम बर्तन का गलती
गलती से मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप जैसे ही चाकू घुमाएंगे आप देखिएगा काफी सारा एल्यूमिनियम भी चाकू के ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद में ये मलाई आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने स्टील का बर्तन यूज करना है और जो चाकू है वो भी आपने स्टील का ही यूज करना है। इसे साइड कॉर्नर से हमने सारा का सारा निकाल लिया है। अब जो एक बेसिक गलती हम सब महिलाएं करती है वो ये है कि डायरेक्टली हम मलाई निकालती है और कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं। आपने ये गलतियां नहीं करनी है, आपने एक चलनी लेना है और मलाई को पहले चलनी के ऊपर लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही मलाई ले रही हूँ और देखिए इसके साथ में काफी सारा दूध भी गया है जो कि मुझे जरूरत थी ही नहीं। डायरेक्ट जब हम मलाई वाले कंटेनर में इस ट्रिक को यूज करते हैं तो काफी सारा दूध मलाई के साथ चला जाता है, जो कि बहुत बार तो यूज में ही नहीं आता है क्योंकि दूध काफी टाइम रखने की वजह से या मलाई काफी टाइम रखने की वजह से खट्टी मिट्टी हो जाती है, उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आने लग जाती है फ्रिज वगैरह अगर बंद रह जाए। लाइट की प्रॉब्लम अक्सर गर्मियों में होती ही है। तो आपने पहले छलनी में से लीजिए, जितना हो सके इसका सारा दूध निकाल दीजिए, उसके बाद में आप इसे कंटेनर में ट्रांसफर कीजिएगा। इससे सिर्फ आपको घी ही मिलेगा, एक्स्ट्रा दूध स्टोर नहीं होगा। और जब आप इसे घी को निकालेंगे तो आप देखेंगे जो दूध की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम रहेगी, यानी कि आप मान लीजिए 1 kg के आसपास अगर आपने मलाई इकट्ठा करी है तो 100 ग्राम के आसपास से आपको दूध देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से स्टेप है, जरूर कीजिएगा। कम से कम दूध यूज होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मलाई मिलेगी। डोसा बनाना चाहे या चीला बनाना चाहे, लोहे के तवे पे अक्सर ये दिक्कत होती है कि ये निकलते नहीं है, जैसे तैसे निकल भी जाए तो टूट जाते हैं, क्योंकि लोहे के तवे पे बनाना आसान काम नहीं होता है। एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसे आप फॉलो करेंगे तो आप डोसा बनाइए चीला बनाइए बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप प्याज लीजिए और उसमें फोक को कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा, इसके बाद में तेल में डिप करते जाना है और लोहे के जो भी कढ़ाई है या तवा आपने यूज किया है उस पर आपने लगाना है। प्याज का यूज करेंगे आप फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको यूज करने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप इसमें फोग लगाइए, क्योंकि हम प्याज को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि प्याज को जितनी बार हम तवे पे घुमाएंगे आप देखेंगे प्याज बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप फोग का यूज करें, आप चाकू वगैरह का भी यूज कर सकते हैं पर चाकू ना बीच बीच में निकल जाता है। मैंने इस ट्रिक को करके देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो डोसे का स्वाद है वो भी बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए यहाँ मैं लोहे का तवा आपको यूज करके बता रही हूँ, डोसा भी बहुत बढ़िया से बना है, ये पकते भी नहीं है बार बार। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप डोसा बनाते हैं लोहे के तवे पे तो सबसे पहले आपने तवे को बहुत अच्छे से प्री हीट करना है और पानी की छींटे जरूर लगाना है, चाहे तो आप पानी की छींटे लगाइए या इस तरीके से इस फोग में प्याज को लगा के इस तरीके से हल्की सी एक लेयर बना दीजिए, उसके बाद में भी अगर डोसा आप डालेंगे तब भी बहुत अच्छे से डोसा निकल के बाहर आ जाता है। आप भी फ्रिज में घी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसे मेल्ट करने के लिए हमें गैस पे रखना होता है। फिलहाल में काफी ज्यादा गर्मी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रिज में रखे हुए घी थे जिन्हें मुझे मेल्ट करके एक कंटेनर में ट्रांसफर करना था, तो मैंने इन्हें गैस पे नहीं रखा और इस तरीके से धूप में रख दिया। आप देख सकते हैं ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, मात्र 10 मिनट ही लगा और ये देखिए सारा का सारा घी बिना गैस जगाए मेल्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से ना गर्मी और धूप का भी फायदा उठा सकते हैं। छोटा सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगर फ्रिज में से आप कुछ खाना वगैरह भी निकाल रहे हैं और गर्म करना है तो कुछ मिनट के लिए आप इस तरीके से रख सकते हैं और वो आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखे हुए ये जो सब्जियों का कचरा है, अंडे का छिलका है या जो भी सब्जियों से जुड़ा हुआ कचरा निकलता है जो कि हम ठेले वगैरह से सब्जियां लेते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ अंडे का छिलका भी है, पुदीने का पत्ता है और पपीता के भी छिलके हैं और प्याज लहसुन के भी छिलके हैं। मैं कभी इन्हें कचरे वाली गाड़ी को नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये वहां जाके शायद ही किसी के काम आते होंगे और ये एटमोसफेयर को खराब भी करते हैं। अगर आप गार्डन करना पसंद करते हैं या आपकी किचन गार्डन है तब तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मेरे यहाँ काफी बड़ी गार्डन है और मैं ना इसका यूज करती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ये ट्रिक को अपना सकते हैं कि आप कोई एरिया फिक्स कर लीजिएगा अगर आपका बड़ा घर है, अगर छोटा है तो आप कोई बड़ा सा ड्रम या कंटेनर यूज कर सकते हैं जिसमें आप ये अपने किचन से निकलने वाले जितना भी छिलका है उनका यूज कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। तो जितना भी है मैं यहाँ इस तरीके से साइड कॉर्नर में इकट्ठा करती हूँ और जब ये 6 महीने या 8 महीने का टाइम हो जाता है तो हम इसे निकालते हैं और खाद की तरह पूरी गार्डन में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे सब्जियां नहीं लगती है, देखिए आराम से आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे पपीता भी लग रहे हैं और नीचे की तरफ काफी सारे सब्जियां भी है। पूरा दिखाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गमले भी काफी सारे हमने लगाए हैं तो इस तरीके से ना हम इनका यूज करते हैं, चाहे तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं।
अगले यूजफुल हैक में मैं आपको यहाँ पर पायल को साफ करना बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं जो पायल है ना, काफी लॉन्ग टाइम से मैंने इन्हें साफ ही नहीं किया है और मैं आज जिस जगह पे हूँ ना वहां पर मुझे साफ करने के लिए कोई भी चीज मिली ही नहीं। मुझे इन पहनना तो जरूर है पर मेरे को दो ही चीज मिली, मैं उसी से इसे साफ करके बताऊंगी, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो मैंने एक प्लेट लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ ले रही हूँ मीठा सोडा। फिलहाल में मैं जहाँ पे भी हूँ वहां पे मुझे सेफ मीठा सोडा ही मिला है तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफी सारे ट्रिक बताए हैं पर उन सबको अपनाने के लिए जो भी चीज अवेलेबल होनी चाहिए वो सब इस जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी इसी किसी जगह पे फंसे हैं और आपको चांदी क्लीन करना है तो आप इन ट्रिक को अपना सकते हैं। मीठा सोडा लिया है और मैंने लिया है नींबू, इन दो ही चीजों से आप चांदी को बढ़िया से चमका सकते हैं। अच्छा, इससे ना आप स्टील की जो सरफेस है उसे तो चमका ही सकते हैं, चांदी भी बढ़िया से चमक जाती है। चलिए मैं करके आपको दिखाती हूँ, तभी आप मानेंगे भी और रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे ना, आप देखेंगे बहुत अच्छे से एक रिएक्शन होता है और हमें बिल्कुल यही चाहिए। अगर रिएक्शन होता है इट मीन्स ये वर्क करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला, एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ हम चांदी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे लोहे की सरफेस पे, यानी कि आप कांच को छोड़ के हर सरफेस के ऊपर इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। वुडन और कांच के सरफेस, इन दो सरफेस को छोड़ना है अपने, बाकी सारी सरफेस के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी है, मेल है या फीकापन आ चुका है कलर में, सब कुछ ना आराम से निकल जाता है। और देखिए काफी अच्छे से रिएक्शन हो रहा है। चलिए मैं इसे पूरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। अच्छा, जब मैं स्टिक को अपना रही थी ना तो मेरे पास एक अंगूठी भी आई है कि बोले अगर हो सकता है तो इसे भी क्लीन करके बताइए। तो देखिए मैं इसे हाथों हाथ ही क्लीन करके बताई हूँ। ये काफी लॉन्ग टाइम से शायद साफ हुई ही नहीं है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा शायद ये 15 साल पहले ली गई थी और तब से इसे साफ किया ही नहीं गया, तब से ये ऐसे की ऐसे ही बस वेयर की जा रही है। तो मैंने इसे साफ करने की कोशिश की तो जितना हो सके मैंने उतना इसको कोशिश की रब करने की, तो इसमें जो शाइन है वो बहुत बढ़िया से आ चुकी थी। पर हाँ, जो ये जो कालापन है ना, इसे निकालने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका कालापन निकलेगा। अगर आप चाहते हो ना कि इसका कालापन या इस तरीके से कोई गंदी अंगूठी या कोई भी अगर ज्वेलरी आपके पास है तो एक काम आप कर सकते हैं, ये नींबू के अंदर आप अच्छे से मीठा सोडा लगा लीजिए और इस अंगूठी को उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए और कम से कम 3 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है ना वो सारी की सारी बाहर निकल के आ जाएगी। मैंने स्टिक को किया और काफी सारी ये अंगूठी अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज के यूजफुल हैक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को देखने के लिए। बहुत सारा आपका धन्यवाद।